नमस्कार, जय हिंद मित्रों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल भीमचित्रा पर। मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति, स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का अपने इस स्टडी पॉइंट भीमचित्रा चैनल पर। यहां पर आपको हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको सफल बनाएंगे, आपके जीवन को सफल बनाएंगे, आपको एक सीट पक्की करवाएंगे। तो चलिए अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो में आज का जो सेशन है काफ़ी स्पेशल है। आपका जो वीडियो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का चैप्टर है, मैथ का पोर्शन है। यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्के आते हैं। गणित में सबसे बेस्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर 10 मिनट अपना टाइम निकालकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो भाई बहन इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो भी यहां पर स्टडी मटेरियल है आपको बराबर मिलती रहे, आपका शिक्षा मेंटेन होता रहे। क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी इस स्टडी पॉइंट पर अपडेट डाली जाएगी वो आप तक तुरंत पहुंचती रहेगी। और जो भाई बहन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन्हें मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए आपके लिए। तो संख्या पद्धति का चैप्टर है यानी कि नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहते हैं मित्रों। तो कुछ इस चैप्टर के अपने छोटे छोटे जो है पॉइंट्स हैं उसको जान लेते हैं, फिर आपके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है आपका कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को जानते होंगे, पर रिकवरी के लिए यानी कि रिविज़न के लिए थोड़ा सा जानना भी ज़रूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं मित्रों वो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, कि संख्या काउंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो ये संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बट हम आपको क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राकृतिक संख्याएँ जैसे 1, 2, 3 ऐसे आप अनंत तक जाइए, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या मित्रों आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी संख्या हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। जैसे हमने आपको 10 आम दिए तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये 0 आम है, क्यों कहेंगे? तो इस वजह से हम जो है बता सकते हैं कि 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या की लिस्ट में 0 शामिल नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है मित्रों? तो जो आपकी प्राकृतिक संख्या, हमने पहला पॉइंट बताया आपसे, तो एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। जो हमने आपसे बताया कि प्राकृतिक संख्याएँ जो हैं 1 से अनंत तक, उसी में आप 0 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 अनंत तक। जब आप 0 शामिल कर देंगे तो आपका ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है मित्रों? तो पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी मिला होता है, वो पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे आप ले लीजिए, आपका बीच में 0 हो गया, इधर 1, 2, 3 इधर प्लस में हो जाएगा, एक मिनट, अब चलिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, इधर -1, 2, 3, 4 करके बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ये सब जानना ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं आपको पता ही होगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं यानी कि 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएँ, वो संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक ये भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं मित्रों? जो 2 से ना कटें। ये सब बहुत बेसिकली चीज़ है, पर कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, जानते हैं भूल गए होंगे, तो उनके रिवीजन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि छोटी चीज़ें ही गलत होती हैं, जो आपके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो यार हम बहुत जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिला दूँ, आपको विश्वास दिला दूँ कि छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में गलत होते हैं। और जिस दिन आप ये गलती करना छोड़ देंगे, उसी दिन से आप सिलेक्शन की सीढ़ी पर अग्रसर हो जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन पाने के करीब पहुँच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका। तो पहले विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। हमने कहा कि आपसे जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट है कि भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो भाज्य संख्याएं मित्रों वह संख्याएं होती हैं क्या एक एवं स्वयं से जो है संख्याएं विभाजित होने के अलावा वो किसी और संख्या से कटें। जैसे भाज्य संख्या आपका 4 है मान लो, तो ये अगर आपका जो है
चार से कट रहा है और एक से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो ये आपका अभाज्य संख्या कहलाएंगे। लेकिन भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसके अलावा किसी और संख्या से कटे। जैसे ये चार एकन्नम चार, चार से कट गया, एक चौके चार तो चार एक से भी कट गया, लेकिन उसके अलावा ये दो से भी विभाजित हो रहा है यानी कि दो दुनिया चार। तो इस प्रकार ये आपका भाज्य संख्या है यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से कटने वाली संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल केवल एक और स्वयं से कटें, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा मित्रों कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपने आप से कटती हैं और एक से कटती हैं, बट आपकी भाज्य संख्याएँ अपने आप से और एक से उसके अलावा और किसी न किसी संख्या से कटती हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसमें काफ़ी बहन काफ़ी भाई क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, सिंपल तरीके से पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में होती हैं। ये पी बाई क्यू क्या है? ये आपका अंश और हर है मित्रों, ये अंश है ये और हर है। तो मतलब जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए, आपका होता है क्या, दो बटे तीन ले लीजिए, दो बटे पाँच ले लीजिए, कुछ भी वगैरह वगैरह, मतलब पी वाई क्यू यानी कि अंश और हर के रूप में हो। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि इनको मतलब एक निश्चित अंत नहीं होता, ये अनंत तक होती हैं, इनका अपना कोई निश्चित अंत नहीं होता और ये लगभग कर्णी में होती हैं, इस तरह कुछ ऐसे करके ऐसे करके। तो ये संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि मतलब सोल्यूशन हल करने के लिए एग्ज़ाम में आपके जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं तो होता क्या है, आपका जो एग्ज़ाम में सवाल होता बहुत कम समय में लग जाता है और आपके जो एग्ज़ाम में सवाल होते हैं वो परफेक्ट आंसर लाते हैं, गलती होने का चांस नहीं रहता। तो संख्या पद्धति में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे आपके फार्मूले हैं, उनको देख लीजिए, थोड़ा सा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो संख्या पद्धति के ट्रिक एवं सूत्र कुछ इस प्रकार हैं। जैसे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है, उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल है, ये आपका है इधर। तो ये आपके जो फार्मूले हैं ये बहुत उपयोगी हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपका हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस वन बाई टू, ये वाला फार्मूला। और अगर आपको दिया जाए वर्गों का, तो वर्गों वाला तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और आपको घन वाला दिया जाए, घन, घन का मतलब किसी संख्या पे उसकी पावर तीन हो उसे घन कहते हैं, और किसी संख्या पे उसकी घाते दो हो इसे वर्ग कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको जाननी हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये तीन फार्मूले हैं, आप तीनों फार्मूला देख लीजिए। ये पहला हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, चलिए दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया जो कि घनों का, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम कुछ सवाल की तरफ। ये सब आपके फार्मूले हैं जो कि आपके प्रश्न को हल करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए हम आप प्रश्न देखते हैं, कुछ बहुत सारी बातें हो गई पर अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मित्रों कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष फल 193 बचता है और इसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, ये आपका प्रश्न है। और इसे हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो संख्या यक्ष मान लेंगे प्रश्नानुसार, और उसके बाद कह रहा है 47 से पूर्णतः विभाजित है, तो अतः हम बचे हुए शेष फल में 47 से भाग देंगे, यानी कि क्या 193 भागे 47 कर देंगे और 5 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना आसान सवाल है, बट यही सब सवाल गलत होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 गुड़े 128 गुड़े 617 गुड़े 413 में इकाई का अंक कौन है?
तो कुछ भाई बहन इतना बड़ा सोचते हैं, देखते हैं अरे इतना बड़ा है घोड़ा कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। तो इसका एक बेसिकली ट्रिक है मित्रों, और आपको पता होना चाहिए कि जो इकाई का अंक है, इकाई इकाई के अंक में घोड़ा करते जाइए। अब तो आसान हो गया होगा, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा घोड़ा करने की क्या ज़रूरत है, 413 गुणे 617 करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूरा का पूरा टाइम लेस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 4 गुणे मतलब इकाई का अंक जो है लेके करना, 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3 कर देंगे, इतना तो आप कर ही ले जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 8 चौक 32 और इधर हो जाएगा 7 3 21। अब यहाँ एक और आपको आसान कर दें, 32 गुणे 21 कर देंगे आप जब, तो इसका फिर से इकाई का आप कर लीजिए, यानी 2 51 2, तो इसमें इस प्रश्न में इकाई का जो अंक होगा वो 2 हो जाएगा। चलिए, ऐसे आपको सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं और अक्सर लोग गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें ट्रिक पता नहीं होता कि कैसे हल होगा। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो, तो संख्या दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अंकों वाली जो संख्या है उनके अंतर को निकालने के लिए मूल संख्या को परिवर्तित संख्या के बीच का अंतर प्राप्त होने पर उसमें 9 से भाग देने से उसमें भी अंतर का पता हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आपके सवाल में दिया गया है। तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर बराबर मूल संख्या में परिवर्तित संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि संख्या के दोनों अंकों का अंतर बराबर आपका हो जाएगा मूल संख्या एवं परिवर्तित संख्या के बीच का अंतर बटे 9, ठीक है। तो आपका दिया गया है क्या, आपके क्वेश्चन में ही आपको 27 दिया गया है और आप बटे 9 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये आपका राइट आंसर, कितने छोटे छोटे सवाल हैं और यही सवाल आपके लिए ट्रिपल हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो दहाई के स्थान पर स्थित अंक जो है 60% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 33 बड़ी होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या आपको ज्ञात करना है, जैसा प्रश्न में कह रहा वैसे करते चलिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो आप मान लीजिए 10x + y प्रश्नानुसार, अब इसमें परिवर्तन संख्या कर दीजिए, आप जब परिवर्तित करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 कोष्टक में इंटू का, कोष्टक के बाहर इंटू का निशान हो जाएगा, 200/100 +y 150/100 बराबर आपका 2x + 1.5y, ये हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे प्रश्नानुसार तो आपका आ जाएगा 20x + 1.5y -10x + y बराबर 33, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। अब इसे हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 10x + 0.5y बराबर 33। फिर इसको हल करेंगे तो यानी कि दोनों पक्षों का जब आप तुलना करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ से x बराबर 3 निकल कर आएगा और y बराबर 6। अब संख्या आपको 36 पता है, ठीक है। कैसे पता है 36, आप जब मान रखेंगे इसमें किसी भी संख्या का मान रख दीजिए, आपका जो है सोल्यूशन निकल कर आ जाता है। तो यानी कि संख्या आपसे मूल संख्या पूछ रहा था, वो मूल संख्या कितना हो जाएगा, 36 यानी कि 36। आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पर अक्सर गलत हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है 1+1/2 इंटू दूसरे कोष्टक में 1+1/3 तीसरे कोष्टक में 1+1/4 .. मतलब 1+1/20 यानी कि 120 तक, ऐसे करना है आपको, ये आपको सीरीज मिली है। तो चलो ये आपको देखते हैं कैसे क्या करना है। आप देख रहे हैं कि इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 4/3 .. 121/120 तक। तो आप यहाँ एक ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि पहले पद का अंश और दूसरे पद का अंश लगातार कटता चला जाएगा और शेष आपका जो बचेगा केवल क्या बचेगा, आपका बचेगा 1/21, क्या बचेगा सॉरी 121/2। और आप जब 121/2 को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 60.5, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपका
कि यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप से संबंधित होगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए पूर्णांक आपका यक्स है और यक्स है, तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पांच क्रमागत पूर्णांकों की संख्या पूछा है। तो पहला आप मान लीजिए यक्स, दूसरा यक्स प्लस वन, तीसरा यक्स प्लस टू, फोर मतलब चार तक मानेंगे तो एक यक्स है और एक यक्स से लेकर चार तक, चार एक पाँच संख्याएँ हो जाएंगी। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कि जो है इनकी पांच क्रमागत पूर्णांकों का योगफल यस है, तो ये आपका हो जाएगा योगफल बराबर यस, कर लीजिए। इसके बाद फिर क्या होता है, आप इन्हें हल करेंगे ये वाला सीरीज, तो आपका आ जाएगा पाँच एक्स प्लस दो बराबर यस, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहाँ से आप यक्स बराबर निकाल सकते हैं, यक्स बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यक्स बराबर, एक मिनट, अब जब यक्स बराबर निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा यस माइनस दस बटे पाँच, ये आ जाएगा आधा। सबसे बड़ा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा मित्रों, ये देखिए आपका राइट आंसर, ठीक है, तो हो जाएगा यक्स प्लस फोर बराबर यस माइनस दस बटे पाँच प्लस चार, यानी कि क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा यस प्लस दस, एक मिनट, चलिए अब आ जाएगा यस प्लस दस बटे पाँच, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, यदि अंश में सात की वृद्धि कर दी जाए और हर में दो की कमी कर दी जाए तो परिणाम में दो प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस भिन्न का अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। ये सवाल आप देख सकते हैं करना क्या है, उसका अंश यक्स है और हर यक्स प्लस तीन है, तो प्रश्नानुसार आपको करना क्या है, यक्स बटे सात बटे यक्स प्लस तीन माइनस दो और बराबर में आपका दो हो जाएगा। चलिए अब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा यक्स प्लस सात बराबर दो इंटू में कोष्टक में यक्स प्लस वन, यानी कि आप हल करेंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर पाँच, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि भिन्न का जो हर है वो कितना होगा, तो भिन्न का हर आपका तीन ऑलरेडी पहले से था और पाँच ये आ गया, तो यानी कि आठ हो जाएगा, ठीक है, और अभिष्ट योगफल क्या हो जाएगा, आठ प्लस पाँच यानी कि तेरह। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेरह हो जाएगा। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगती है अपने कमेंट में राय ज़रूर दें, और भी जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो आपका डाउट्स है, जो आपका क्लियर नहीं है, आप कमेंट में करके बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे, आप सभी मित्रों का दिन शुभ हो, धन्यवाद।